सहयोग में आज पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं पलटू दास का जन्म 1710 सौ ईस्वी में हुआ और 1780 सौ ईस्वी तक पलटू साहब के पवित्र चरण भारत की धरती पर विचरण करते रहे पलटू साहब का कहने का अंदाज़ बड़ा स्पष्ट है बड़ा प्यारा है कबीर साहब थोड़ा रहस्यमय चीज़ों को रखते हैं लेकिन पलटू साहब उन रहस्यों को बड़ी सुगमता के साथ खोलते हैं कहते हैं पलटू दास योग जुगत आसन नहीं परमात्मा के मार्ग पर चलते हो परमात्मा की तलाश करते हो क्या करते हो योग करते हो आसन करते हो प्राणायाम करते हो धारणा करते हो कहते हैं पलटू साहब ये सब काम आने वाला नहीं है आसन करो ठीक है स्वास्थ्य ठीक होगा प्राणायाम करते हो ठीक है स्वास्थ्य उससे अच्छा होगा लेकिन अगर तुम सोचते हो कि आसन और प्राणायाम करके तुम परमात्मा को पालोगे तो तुम किसी भ्रम में जी रहे हो जिसके लिए दुल्हनदास कहते हैं ना प्रभु मिली हैं जोग जापते है। योग करने से या जप करने से परमात्मा मिलता नहीं अब ना पथरा के पूजे या मंदिर में जाओ कि मस्जिद में जाओ कि गुरुद्वारे में जाओ कि चर्च में जाओ इससे भी परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है ना प्रभु मिली हैं पऊआ पखारे या खूब स्नान करो कि पाँव धो कि आचमन करो इन सब चीज़ों से भी परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है ना काया के भूंजे और कुछ लोग धूप में खड़े रहते हैं कि तपस्या करते हैं कि सुबह तीन बजे गंगा स्नान करते हैं इन सब बातों से भी परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है साधन नहीं विवेक पलटू साहब कहते हैं जोग जुगत आसन नहीं और साधन नहीं विवेक साधना करने से भी किसी प्रकार की साधना करो अनुष्ठान करो कर्म कांड करो इससे परमात्मा नहीं मिलता मिलता कैसे एक विवेक पैदा करना होता है एक प्रज्ञा पैदा करनी होती है और बुद्धि और विवेक में बड़ा फर्क है बाहर जो तुम जानकारी लेते हो वह तो बुद्धि से प्राप्त करते हो लेकिन विवेक बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं होता विवेक का संबंध तुम्हारी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो निराकार निर्विकार निर्विचार स्थिति में जो तुम्हारा अनुभव है वह विवेक है सब्जेक्टिवली जो जाना जाता है वह विवेक है और ऑब्जेक्टिवली जो जाना जाता है वह तुम्हारी बुद्धि से जाना जाता है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं एक पढ़ ही पाठ एक भ्रम उदास किस किस प्रकार से लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं कुछ लोग ग्रंथ पाठ कर रहे हैं किताबों का अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं एक भ्रम उदास कुछ लोग बैरागी होकर उदासी होकर भ्रमण कर रहे हैं जंगल में जा रहे हैं एक नगन निरंतर रहे निवास कुछ लोग जैन मुनियों को देखो नंगे रहते हैं एक जोग जुगति तन हूं ही खीन कुछ लोग ऐसा योग से कृषि हो जाते हैं काया को क्षीण कर लेते हैं ऐसे राम नाम संग रहे है न लीन तुम सोचते हो कि इन सब बातों से तुम परमात्मा में रंग जाओगे परमात्मा में लीन हो जाओगे तो ये तुम्हारा भ्रम है कहते हैं पलटू साहब साधन नहीं विवेक साधना से नहीं होगा आसन प्राणायाम से नहीं होगा एक विवेक पैदा करना होगा साधन सब कह कह छूटा कहते हैं पलटू साहब मैंने बहुत साधनाएं की और साधन कर कर के छोड़ दिया क्योंकि कोई भी साधन मुझे परमात्मा के द्वार तक नहीं ले गया जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं मुए हम व्रत के करते बहुत व्रत किया और बहुत अनुष्ठान किया मरणावस्था तक करीब करीब पहुंच गए और वेद को सुना चित लाई हमने वेद को भी बड़ा मन लगा करके सुना मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ जोग और जुगति करी था के बहुत योग किया और बहुत उपाय किया बहुत विधि बहुत विधान बहुत अनुष्ठान मगर इससे भी परमात्मा नहीं मिला जोग और जुगति करी था के सजन की खबर नहीं पाई लेकिन जो साजन है जो गोविंद है जो प्रियतम है उसकी खबर हमको योग से आसन से प्राणायाम से अनुष्ठान से नहीं मिली कहते हैं पलटू साहब लागी सहज समाधि तो मिली कैसे परमात्मा का ज्ञान कैसे हुआ लागी सहज समाधि ये एक संतों की अनूठी बात है सहज समाधि सहज ओंकार को कहते हैं और सहज बिल्कुल सरल प्राकृतिक रूप से ज़िंदगी जीना शुरू करो सहज हो जाओ और सहज में लॉ लगा लो बस यही परमात्मा को पाने का मार्ग है तो लागी सहज समाधि जब ओंकार से मिलकर एक हुआ जब ओंकार में रमण करना हुआ जब ओंकार का सुमिरन चला और ओंकार से मिलन हुआ तभी परमात्मा का ज्ञान हुआ जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि भली, सहज रूप से समाधि को उपलब्ध हो जाओ यही परमात्मा को जानने का परमात्मा को पाने का परमात्मा से मिलने का मार्ग है गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, लेकिन कैसे ये मार्ग पता चलेगा कैसे सहज समाधि को जानोगे गुरु से जानोगे कामिल मुर्शिद से जानोगे गुरु प्रताप जा दिन ते जागी दिन दिन अधिक चली और जब से गुरु ने बताया है समाधि का मार्ग तब से यह समाधि गहराती चली जा रही है जह जह डोलो सो परिक्रमा जो कछ करो सो सेवा और अब तो अलग से परिक्रमा नहीं करता किसी देवता क्या किसी देवी की किसी मंदिर में बल्कि जो करता हूँ वही परिक्रमा है और जो कछु करो सो सेवा अब अलग से कोई सेवा नहीं करता अब जो करता हूँ उसी की याद से करता हूँ और वही सेवा बन जाती है और जब सोवों तब करो दंडवत पूजो और न देवा अब अलग से दंडवत नहीं करता हूँ जब सोता हूँ बस वही मेरा दंडवत हो जाता है और पूजो और न देवा और किसी देवी देवता की मैं पूजा नहीं करता सदा मेरा मन उसी गोविंद में लगा रहता है कहते हैं पलटू साहब लागी सहज समाधि शब्द ब्रह्मांड में फूटा और क्या हुआ जो भीतर ब्रह्मांड है जो भीतर चिदाकाश है उसी को संतों ने ब्रह्मांड कहा है और वहाँ एक शब्द गूंज रहा है अनाहत शब्द गूंज रहा है और उसमें जा करके सहज समाधि लगती है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं शबद निरंतर से मन लागा वह निरंतर गूंज रहा है शब्द और उसमें मन लगाना होता है और मलिन वासना त्यागी और फिर तो मलिन वासनाएं हैं काम है क्रोध है लोभ है मोह है ईर्ष्या है द्वेष है वासना है तृष्णा है ये सब स्वयं ही छोड़ करके चले जाते हैं तुम्हें और उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी और फिर तो जब गोविंद में तुम्हारा दिल लग जाता है फिर तो उठते बैठते खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बस उसी की लौ लगी रहती है जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं खंडन तनिक न होए तेलवत लागी धारा अब जरा एक पल के लिए भी मेरा दिल गोविंद से हटता नहीं और जैसे कोई तेल ढारा जाता है तो एक लगातार जैसे तेल की धार ढाली जाती है ऐसे ही मेरा लव हमेशा गोविंद में लगा रहता है और ज्योति निरंतर बरे दसो दिशी भाव जियारा और भीतर एक आलोक फैला हुआ है एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति से दसों दिशाएं में प्रकाश फैला हुआ है चारों तरफ एक उजियाला फैला हुआ है जिस दिन तुम भीतर उस दिव्य आलोक को जानोगे जैसे निरति समाधि में जब आओगे तो भीतर फैले उस आलोक को जानोगे तो तुम दंग रह जाओगे कि कोई बाती नहीं है कोई तेल नहीं है कोई दीपक नहीं है मगर ऐसा सुंदर उजाला वहाँ फैला हुआ है जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं ज्योत निरंतर वाणी वह वा गोविंद कैसा है अंतर ज्योत भीतर एक लगातार अखंड ज्योत जल रही है निरंतर वाणी और एक लगातार शब्द गूंज रहा है उसमें कोई व्यवधान नहीं है उसका कोई आदि नहीं है उसका कोई अंत नहीं है एक लगातार शब्द गूंज रहा है कहते हैं पलटू साहब ज्ञान ध्यान सब छूट छूट संजम चतुराई बस जब से उसमें लौ लग गया है उस अंतर ज्योत निरंतर वाणी में तब से ये ज्ञान ध्यान यहाँ ज्ञान का अर्थ जानकारी है जो स्वाध्याय करते हो जो किताबें पढ़ते हो कहते हो वो सब छूट गया और ध्यान भी छूट गया ध्यान क्या है शून्य में चित्त को ले जाना ध्यान है ध्यान भी परमात्मा तक नहीं जाता परमात्मा तक जाता है समाधि परमात्मा तक जाता है सुमिरन ज्ञान ध्यान सब छूट छूट संयम चतुराई और क्या संयम बरतोगे क्या चतुराई बरतोगे ये सारी चीज़ें परमात्मा तक जाती नहीं जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं कोई जोग कहे कोई जाग कहे कोई त्याग बैराग बतावता है परमात्मा तक जाने के लिए विविध मार्ग लोग बताते हैं कोई नाव रटे कोई ध्यान ठटे कोई खोजत ही थक जावता है कोई और ही और उपाय करे कोई ज्ञान गिरा करी गावता है बड़ी सुंदर सुंदर वाणी में लोग कथाएं कहते हैं रोते हैं रुलाते हैं मगर इन सब चीज़ों से परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है वह सुंदर 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 है कोई सुंदर हो ई सु है परमात्मा तो परम सौंदर्य है और उसको पाना हो तो तुम्हें भी भीतर बाहर से सुंदर होना पड़ेगा कहते हैं पलटू साहब तन की सुधि गई बिसरी अरूढ़ अवस्था आई और जब समाधिस्थ हो जाते हो जब सुमिरन में जाते हो तो बाहर की शुद्ध खो जाती है और एक स्थित प्रज्ञ अवस्था आ जाती है जिसको कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना हो तो अकम्पित हो जाना है अखंड हो जाना है जिसके लिए पलटू साहब दूसरी जगह कहते हैं वय गई दशा अरूढ़ ज्ञान तज भई विज्ञानी यह जानकारी पर तुम आधारित नहीं होना होता है विज्ञान विज्ञान कहते हैं अनुभव ज्ञान को अनुभव ज्ञान पर भरोसा करो और धरती जरी गई जरा है ज पवन और पानी ये पंच तत्व के पार परमात्मा मिलता है जब तक तुम पंच तत्वों में अटके हुए हो आग में पानी में माटी में ये जो पंच तत्व है तब तक परमात्मा तुम्हें मिलता नहीं है पलटू साहब कहते हैं कि पलटू में भजने भया रही न दूजो रेख अब तो द्वैत सारे विदा हो गए अब तो मेरे और परमात्मा के बीच कोई द्वैत न रहा बस भजन ही हो गया भजन करते करते भजन ही हो गया ओंकार जपते जपते ओंकार हो ही गया जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन खाओ पियो सो पूजा गिरह उजाड़ एक समले को भाव मिटाओ दूजा अब कोई दूजा भाव न रहा अब कोई द्वैत भाव न रहा पलटू साहब कहते हैं योग जुगत आसन नहीं साधन नहीं विवेक ये जोग जुगत से नहीं होगा आसन प्राणायाम से नहीं होगा व्रत अनुष्ठान से नहीं होगा एक विवेक पैदा करो वह सब्जेक्टिवली उसको जानो ऑब्जेक्टिवली कभी परमात्मा को नहीं जान सकते जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कह कबीर यह उन्मन रहनी सो प्रगट कर गाई दुख सुख से कोई परे परम पद तेही पद रहा समाई कि साधो सहज समाधि भली तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो और उससे मिलकर अपनी सब्जेक्टिविटी को जानो तुम्हारे भीतर निराकार में जो ओंकार गूंज रहा है उसको जानो और उससे नेह लगाओ यही सहजयोग है हरिओम तत्सत